जी वो सचिन का रहा है तो इसको देखते हैं। जी ठीक है, ये हमने एक एसन सर्च किया था पहले डायरेक्ट सोर्सिंग करते हुए कि पहले हम अमेजोन पे देखेंगे, देन हम अगेन इसको यहाँ पर आकर सर्चिंग कर सर्च करेंगे amazon.com के ऊपर। ये एक एसन निकलता है, इसको हम यहाँ से इस प्रोडक्ट का जो है डेटा लेकर वो हम डायरेक्ट गूगल के ऊपर इसको सर्च करेंगे इस प्रोडक्ट को कि ये इसका क्या रिजल्ट निकलता है। अगेन तो ये प्रोडक्ट थी, इसको हम डायरेक्ट करके कंट्रोल भी गूगल के ऊपर डायरेक्ट सर्च करेंगे तो यहाँ से हम इसकी सोर्सिंग देखेंगे कि ये किसकी सप्लायर के पास अवेलेबल है। तो ये हम इसकी शॉपिंग में जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट वैसे अमेजोन के ऊपर जो है वो सेल हो रही है नियरली 12-13 डॉलर है। तो ये देखें, ये सी आल बाइंग ऑप्शन में जाके हम इसकी सेलिंग प्राइस देखेंगे। सेलिंग प्राइस देखने के बाद तो वो हम यहाँ पे ये देखिए, इसे होम डिपोट जो है वो 5.48 की सेल कर रहा है, वालमार्ट इसे 3.96 की सेल कर रहा है। तो मतलब ये इस तरह ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये 30-40% ROI ये प्रोडक्ट दे मतलब निकलता है इस प्रोडक्ट से अगर हम इसको अमेजोन के ऊपर लगा के सेल करते हैं। तो इसी तरह ये आज मतलब इस चीज़ को ये हमने आज डायरेक्ट सोर्सिंग के डिफरेंट पहलू देखिएगा, डायरेक्ट सोर्सिंग जो है वो किस तरह जो है मुकम्मल होती है। तो यहाँ से इसको ये देखें, यहाँ पे 12 11.99 या 12 पाउंड की यहाँ पे सेल हो रही है। तो 12 डॉलर भी अगर जेन में रखें तो यहाँ पे हमें वो होम डिपो या वॉलमार्ट से यही प्रोडक्ट हमें 3.96 या 4 डॉलर की सेल हो रही है। तो यही यही बेसिकली ड्रॉप शिपिंग का फायदा है। देखें कि हमें विदाउट एनी हेडिक, विदाउट किसी मतलब इन्वेस्टमेंट के हम ये प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, जब ऑर्डर आएगा तो हम इसे बैक एंड से सोर्स कर लेंगे। तो जी इसको बैक हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं। जी ये हमने डायरेक्ट ये एसन देखा हमने डायरेक्ट सोर्सिंग करते हुए कि ये एसन जो है ये मतलब हम दिन में काम करते हुए निकाला था। इस तरह थोड़ा सा जब हम इंटेंसिव सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह प्रोडक्ट हमें ड्रॉप शिप फ्रेंडली प्रोडक्ट्स निकलेंगी। तो इसको कंटिन्यू आगे देखते हैं। तो ये नीचे है जी, यूके के जो मेन वेबसाइट्स हैं सप्लायर्स हैं अच्छे यूके में, amazon.co.uk पे जब काम करेंगे तो मेन गुड सप्लायर्स लिस्ट है इसमें, एस्ट्रा है, अर्गोस है, box.co.uk है, ब्यूटी फ्लैश है, मतलब इस तरह की लिस्ट है। तो हम ग्रुप में भी ये लिस्ट इंशाल्लाह शेयर करेंगे आज ताकि सोर्सिंग के दौरान आसानी रहे। ये यूके की मेन वेबसाइट्स हैं अच्छी हैं, इसके अलावा और बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिनसे लोग सोर्सिंग करते हैं, क्योंकि सोर्सिंग एक मेन टास्क है जो पहला स्टेप है, जिसे आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आगे जो है ना वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी जर्मनी की कुछ वेबसाइट्स हैं जी, वह लिस्ट में हमने फ्रांस और दूसरे कंट्रीज भी ऐड किए हैं। जनरल यही एक लिस्ट है जो मार्केट में घूम रही है, जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग सोर्सिंग में यूज करते हैं। तो ये जी आज का हमारा डायरेक्ट सोर्सिंग को हमने आज देखा कि जी अमेजोन के ऊपर डायरेक्ट सोर्सिंग कैसे होती है। तो जी क्वेश्चन आंसर हो किसी का तो वो आप आस्क कर सकते हैं जी इंशाल्लाह, तो नहीं तो हम इस सेशन को, टाइम मुकम्मल हो रहा है इस सेशन का माशाल्लाह। जी ये इजाज़ हनीफ भाई ने हैंड रेज किया। जी इजाज़ भाई आप करें क्वेश्चन प्लीज। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम सर, मुझे आए तकरीबन 2 मिनट ही हुए हैं आपके सेशन में, जी। तो बस मैंने यही बस देखा है एक दो चीज़ें जो आपने वो डिस्कस की हैं कि वो वॉलमार्ट से इतने की मिल रही है या दूसरी किसी सप्लायर से इतने की मिल रही है, उससे पहले कुछ भी नहीं मैंने मतलब तो देखा। जी आप परेशान ना हो, आप व्हाट्सएप के ऊपर ये जो ग्रुप में आप व्हाट्सएप का नंबर है, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हैं आप? हाँ जी, वहां से मैं आया हूँ हाँ मीटअप जी गुड, पे।
जी हम वहाँ पे ना इसकी रिकॉर्डिंग आज या कल में अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं इंशाल्लाह। और बाकी ये जितना भी हमारा फ्री कोर्स था ये हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड किया जाएगा, तो वहाँ से भी आप फ्री कोर्स को एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं इंशाल्लाह, तो कोई मसला नहीं है। ठीक हो। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जी मेरा ब्रेकले से वीडियोस वगैरह देख के, ब्रेकले वालों की, माशाल्लाह जी जी तो मैंने क्या इसका नाम है अपना यूएसए में इंडिविजुअल अकाउंट बनाया है, फ्री वाला जो है, तो यूएसए वो तो बन का। गया अब वो, हाँ सॉरी यूएसए में वो बन गया। उसमें अब दो चीजें वो मांग रहा है, एक तो डिपॉजिट मेथड जो है वो मांग रहा है, क्योंकि डिपॉजिट मेथड मैंने पहले उन्हें दे दिया था, तो फिर वो मांग रहा है। उसके बाद टैक्स का कोई इशू है उसमें आ रहा है, टैक्स का वो मुझे देखें समझ नहीं आ रही कि मैं। यार इंडिविजुअल पे देखें, इंडिविजुअल पे आप ड्रॉप शिपिंग में ना भाई एजाज भाई आप वो वायबल नहीं है। एक तो उसमें आप वो नहीं ले सकते ना, चाइल्ड अकाउंट नहीं बना सकेंगे इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है, पहला इशू जहाँ से आएगा, ठीक ठीक है, ठीक हो गया। क्योंकि पाकिस्तानी इसमें का बैंक अकाउंट कौन सा यूज किया था आपने? अच्छा बैंक अल्फला का कार्ड मैंने यूज किया डिपॉजिट में। डिपॉजिट में अल्फला का अकाउंट ओपन हो गया, वो वीडियो कॉल वेरिफिकेशन वगैरह मुकम्मल हो गई है, हाँ वो सब कुछ हो गया, वीडियो वेरिफिकेशन हो गई है, सब कुछ ओके हो गया। ठीक हो गया अकाउंट अब आपका मुझे फिर। इशू ये आ रहा है, अब जी इशू मुझे यहाँ पे आ रहा है कि मैं अगर परचेजिंग की तरफ जाता हूँ, मतलब कि यूएसए में परचेजिंग करता हूँ, अभी मेरा बजट भाई है थोड़ा सा ही है, पर मिनिमम बजट से मैंने शुरू किया है, नहीं अच्छी इतना बात है, बजट नहीं, चलो एक या एक दो प्रोडक्ट के साथ ही अगर मैं चाहूँगा तो जाऊँगा। अगर मतलब कि मजीद इसमें काम हो गया तो उसको मैं प्रोफेशनल और एलएलसी वगैरह तो वो बाद में बना लूंगा, लेकिन अब बस मसला ये है कि वो परचेजिंग में कौन सा मेथड यूज करूँ। वो कहते हैं जी एलएलसी यार बनवाओ वहाँ की, एजाज मर्करी बैंक वगैरह की। भाई देखिए कुछ चीजें वो रिक्वायर्ड होती हैं मतलब बिजनेस के लिए ना, वो एक तो देखिए न्यू अकाउंट होगा, इसके ऊपर कंपटीशन वैसे ही टफ है, प्रॉफिट निकालना जो है ना आपको मतलब बाइंग के लिए, वही तो मैं मतलब एक फैन एलएलसी के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन आपके लिए आप कहाँ से हैं, आप किस सिटी से हैं? मैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद से, माशाल्लाह यार फैसलाबाद में बड़ी अच्छी ड्रॉप शिपिंग हो रही है। मैं आपके लिए यही फेवर दे सकता हूँ यार, आपको एक ट्रिक है मार्केट में चल रही है फ्रीली, मैं आप मतलब माशाल्लाह हमारा ये प्रमोशनल कोर्स है फ्री ना, तो मुझे आप जी वाइज रजिस्टर करें, उसकी 18 पाउंड डिपॉजिट करें, उसमें 16 या 18 डॉलर हैं, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप मुझसे रबते में जी व्हाट्सएप पे डायरेक्ट है, मैं आपको उस ट्रिक से जो है ना मैं ट्राई माई बेस्ट के फ्रीली मैं उस ट्रिक से आपको यूएसए का कार्ड ले दूँ, देखें वो बहुत ट्रिक क्या है, कब का शुक्रिया। आप काम काम चलती है, पल डिपेंड हो, लेकिन आप चल रहे हैं, दुनिया चला रही है, आप ही चलाएं इंशाल्लाह अच्छी बात है वाइस का अकाउंट तो मैंने आज ही क्रिएट किया है, उसके अंदर 18 डॉलर, यार। वो मैंने 3250 रुपये वो भी मैंने उसमें वो ऐड डिपॉजिट का आज ही वो मैंने क्रिएट किया। आप देखें रुक जाते हैं, आप थोड़ी देर रुकते हैं तो मैं आपको उस ट्रिक के जरिए आपको वो यूएसए का कार्ड मैंने अप्लाई करना, और हमारी उस ट्रिक में इंशाल्लाह यह 99% वो हो जाना था, अब एक तरीका और हो सकता है, आप मुझे व्हाट्सएप पे आए कोई नहीं, इंशाल्लाह वो किसी उस और, किसी और भाई या किसी घर से किसी और का, आप मुझे ना व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह मैं आपके लिए आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको यूएसए का ना वो कार्ड अरेंज कर दूँ, मार्केट में वो जो ट्रिक यूज हो रही है वो ट्रिक हम ट्राई करके तो इंशाल्लाह आपको कार्ड ले देंगे, आप क्या याद करेंगे हमारे आप वो लाइव कोर्स के बहुत जो है बहुत ना शुक्रिया, पहले स्टूडेंट है बहुत इंशाल्लाह, तो शुक्रिया, कोई बहुत मसला नहीं जी, शुक्रिया। वेलकम जी, कोई आप मुझे व्हाट्सएप पे याद करवाइएगा तो इंशाल्लाह कर लेंगे फिर। ठीक, आपका नाम मुझे काइंडली बता दें ग्रुप में। जी जी हाँ जी, वो ग्रुप में आप पोस्ट करें तो इंशाल्लाह वहाँ से टीम मेंबर को ज्वाइन कर लेगा आपको इंशाल्लाह। ठीक हो गया। जी ठीक है, ठीक, शुक्रिया जी, ओके और सर ओके। आपका नाम? जी मेरा नाम मुजाहिद है जी। ठीक है मुजाहिद भाई, मैं ना ग्रुप में आप पर्सनली आपको टेक्स्ट करता हूँ। जी जरूर, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है बहुत शुक्रिया, जी, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़ जी। अगेन और किसी भाई के अल्लाह कोई हाफिज, क्वेश्चन? जिदा जी कर। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़ जी। अगेन और किसी भाई के कोई क्वेश्चन हो तो? नहीं यार टाइम भी माशाल्लाह पूरा हो गया जी, चलें ठीक है, आप माशाल्लाह जी सेशन को एंड करते हैं। नुमान मुगल जी, जी नुमान भाई आप करें क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, भाई, कैसे हैं शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए नुमान ठीक हो? भाई? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो पता ये माशाल्लाह। करना था कि अक्सर ये न्यू अकाउंट पे प्रोडक्ट्स वगैरह लगाते हैं, तो उनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं हमें नहीं पता लगता कि आईपी देंगी या नहीं देंगी, तो उसके लिए कोई एक्सटेंशन हो या कोई शीट वगैरह हो जिसे हमें पता लग जाए कि ये शीट, ओ सॉरी, ये प्रोडक्ट आईपी देगी या कुछ भी ऐसा मसला, इनवॉइसेस देखिए मांगेगी।
यार इसमें ना 100% तो कोई चीज नहीं है। देखिए उसमें सबसे पहले चीज होती है कि जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग वो कर रहे हो ना, FBM कर रहे हो, तो उस पे ये प्रॉब्लम नहीं आती। वैसे एक एक्सटेंशन है सही, जिसे होलसेल वाले यूज करते हैं कि वो सोर्सिंग करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो मैं उसको चेक करके तो मैं आपको उसका नाम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यही है कि बस वो एक फ्री एक्सटेंशन है, तो उससे आप कह सकते हैं 60-80% रिजल्ट ठीक होते हैं, 100% नहीं उसको कह सकते। ठीक है, तो बस एक वही उसका है तरीका। तो बाकी यही है कि उसको कम से कम 5-6 सेलर सेल कर रहे हो, आपने ये मेक श्योर करना है। ठीक है, और उसको लेके चले इंशाल्लाह, तो कभी भी ये कंप्लेन नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज तक ये कंप्लेन आई, भी एक आध दफा हुआ थी, वो भी मतलब कंपटीटर ने शरारत की थी, अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमें आईपी का मसला नहीं आया। और मसले तो खैर ड्रॉप शिपिंग में चलते रहते हैं। जी, चले सही हो गया। मैं इंशाल्लाह और वो ग्रुप पूछना में था शेयर कर कि दूंगा। जी चले ठीक है भाई, शुक्रिया। जी और भाई, हम सैम क्लब वॉलमार्ट से चैट करके उसे बॉक्स का रिमूव करवा सकते हैं, उसकी पैकिंग वगैरह? नहीं सर, ये नहीं, कितने की रिमूव करवाएंगे? दिल्ली के आपके 10 या 5 ऑर्डर हैं, एक आदमी की रिमूव, उसे चैट करेंगे? उनकी चैट का सिस्टम भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपके नॉर्मल क्यूरी को भी 24 घंटे बाद वो रिप्लाई कर रहे होते हैं, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है। नेवर ट्राइड, कोई इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल वो इसको करेंगे। और मजे की जी बात है कि बिल्कुल वो उसमें हर किसी प्रोडक्ट के ऊपर अपनी बॉक्स भेजता भी नहीं है ना, वो अपनी किसी प्रोडक्ट के पास, अगर उसका देखें कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जिस तरह चेयर होगी, थोड़ी सी फैलाव वाली कुछ प्रोडक्ट है या कुछ इस तरह, तो उसमें उसकी पैकिंग नहीं आती, तो वो चली भी जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप ये चीज देखें, जिस वजह से आप उसकी पैकिंग रिमूव करा रहे हैं, वो तो सिर्फ यही वजह है ना कि सैम्स का अमेजोन सस्पेंशन ना दे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल लेकिन जो मैं आपको एक प्रो ट्रिप यहाँ पे ये है कि जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं बड़े नंबर्स के साथ, वो सारे सैम्स और वॉलमार्ट से ही कर रहे हैं, ये एक हकीकत है। ठीक है, तो वो ये रिस्क के उनका ये ऊपर। होता जी, है। हाँ उनका ये होता है क्योंकि उनका अकाउंट एक तो ओल्ड होता है, अगर कोई एक दो कस्टमर ऐसा आ भी जाए, A to Z क्लेम कर भी दे, तो कोई इतना इशू नहीं है। फिर जो न्यू यार अकाउंट्स होते हैं उनके लिए फिर एक रिपोर्ट की मार है वो अकाउंट। यार रिपोर्ट एक ही बार नहीं है। देखो, जब आपने कहीं पे रिव्यू में, कहीं पे भी, चाहे न्यू अकाउंट है चाहे पुराना अकाउंट है, आपका एक भी रिव्यू में ओपनली सैम्स या वॉलमार्ट यूज हुआ है, वो अकाउंट सस्पेंड हो जाना है। उस पे भी वही प्लान ऑफ एक्शन और अपील लगनी है, वही अपील और प्लान ऑफ एक्शन आपके अकाउंट का लगना है। हाँ, जो फर्स्ट 90 डेज है वो आपने केयरफुली उसको चलाना होता है, वो उसमें थोड़ा सा आप केयरफुली चलें, लेकिन जैसे वो 90-100 डेज गुजरेंगे, तो उस वक्त देखें, अकाउंट अगर आपका आज सस्पेंड होता है या 8 महीने बाद सस्पेंड होता है, ये चीज माइंड में रखें कि उसको अपील जो है, वो जो ये अकाउंट रीइंस्टेट करते हैं उन्होंने ही ओपन करवाना है। जो हम जैसे नॉर्मल न्यू ड्रॉप शिपर हैं, वो उसको नहीं ओपन करवा सकते, वो उसमें जो रीइंस्टेट करवाते हैं वो उन्हीं की हमें हेल्प ली जाती है, और वो उसकी वो अपनी अमाउंट चार्ज करते हैं, सर्विस चार्जेज जिसे कह लें, $300-400, तो वो सेम ही है। मतलब उसके जो अमेज़न रिक्वायर करेगा प्लान ऑफ एक्शन, वो अभी भी वही होगा, वो 8 माह बाद भी वही होगा, तो ये कोई जी मतलब नहीं है। बाकी केयरफुली करें, अच्छी बात है आप कर रहे हैं, आप उनसे ट्राई कर लें, लेकिन यह कि ऑर्डर ज्यादा होते हैं यार, वो कितने के आपके लिए पैकिंग चेंज करेंगे, पॉसिबल नहीं है चीज मेरे ख्याल से ये वाली। क्योंकि हमने एक एक आईडी से तकरीबन 20 ऑर्डर ही करने होते हैं, क्योंकि 20 भी मिलते हैं शायद सैम क्लब से, अगर उसकी मेंबरशिप परचेज करो $100 वाली। नहीं ना, आपस में आप ज्वाइन, इंशाल्लाह आप हमारे साथ ज्वाइन रहे, आपको इससे अच्छी ट्रिक देते हैं, तो आप चलें ओपनली आज बता देते हैं आपको। आप हमारे देखें, आपने $100 इस तरह दिया, और प्लस टैक्स एग्जेम्प्टेड भी नहीं थी ये आइडिया आपकी, ऐसा ही है ना? हाँ ऐसे ही आप हमारे ग्रुप में पोस्ट डालें, आपको इंशाल्लाह 1-2 दिन में आईडी दे देंगे हम, $60-65 की सैम्स की टैक्स एग्जेम्प्टेड आईडी देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उससे ये होगा, फ्री शिपिंग वाली ट्रिक यूज करके, आप जो जिन्होंने ज्यादा नंबर्स के ऑर्डर उठाने होते हैं, वो फ्री शिपिंग वाली ट्रिक यूज करके टैक्स एग्जेम्प्टेड आईडी, क्योंकि इसमें 10% तो आपका टैक्स चला जाता है, सैम्स कार्ड लेता है ना, तो 10% प्रॉफिट बिल्कुल तो आपकी वो टैक्स में चलेगी, तो क्यों आप उस चक्कर में पड़ते हैं? एक तो आप बिल्कुल सेफ सिक्योर तरीके, आप किसी अच्छे बंदे से मार्केट से वो एग्जेम्प्टेड आईडी लें, वो $60-80 की मिल जाती है, उस पर आप करें काम, और 20-25 के चक्कर में पड़े ही ना, आप उसकी फ्री शिपिंग वाली ट्रिक यूज करें बस। हाँ। तो एक और सैम क्लब की ट्रिक है, एक रिफंड से अलावा ऑटोमेशन भी होती है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? ऑटोमेशन से क्या मतलब, किस तरह भी ऑटोमेशन मतलब उससे भी रिफंड ही मिलता है, वो हम 3 प्रोडक्ट्स का ऑटोमेशन ले रिफंड, सकते हैं। वो उसी को वही फ्री शिपिंग ट्रिक में ही आता है ना, कि 3 प्रोडक्ट्स लगाएंगे, वो एक नंबर्स की प्रोडक्ट्स हैं उनको लगाएंगे,
वो चेंज होती रहते हैं नंबर्स का, वो नंबर प्रोडक्ट आप बाद में ऑर्डर प्लेस करने के लिए मूव करेंगे तो उसे शिपिंग कहेंगे, फ्री शिपिंग ट्री की कहा जाता है, तो वो इंशाल्लाह ग्रुप में आप करें कोई ना कोई आपको गाइड कर देगा। और इसके अलावा अगर हम उसके रिफंड की तरफ जाते हैं तो वो आपने नहीं अभी जाना, रिफंड सैम्स रिफंड नहीं दे रहा, उसको माइंड से निकाल दिया, सैम्स ने रिफंड सख्ती से बंद कर दिए हैं। बस फिर कहाँ पे जाएंगे मियाँ चन्नू वाले, कहाँ पे जाएंगे सारे यार। भागेंगे, उसने कहा शाह जी मरीज ज्यादा आ गए ना, उन्होंने कहा अभी तो भुख पवेगी नसन के सारे, इस दवा इस दिसंबर में रगड़ा खाया सारों ने, मियाँ चन्नू वाले क्या फैसलाबाद वाले सारे अल्लाह लाई करते रहे, अकाउंट सारों का दिसंबर पूरा बंद रहे हैं, वालमार्ट ने अकाउंट उड़ाए हैं कुछ सैकड़ों के हिसाब से, ये दिसंबर और जनवरी सारे छुट्टियों पे गए रहे हैं, आप चेक करें बड़े बड़े प्रो ड्राफ्ट शिपर जो है ना लास्ट में गए हैं, क्योंकि अमेजोन ने ये तो चले सेलर था, उन्होंने बायर अकाउंट भी बिजनेस प्राइम बंद किए, अभी तक स्टिल नहीं स्टेबल हो रहे, मतलब बैंक अकाउंट सिर्फ हम लोगों की गलत हरकतों की वजह से ना, तो इस नॉट गुड। जो मैं कैसे कहता हूँ ड्रॉप शिपिंग को एक अच्छे बिजनेस की तरह लेके चलें, केयरफुली चलें, गलत ट्रिक को ना यूज करें, मैं मतलब ये जो क्लेम और ये सारा रिफंड है इसको सख्ती से हम इसके खिलाफ है, नहीं करना चाहिए। और भाई पूछना ये था कि एक ब्रांड है सिवाइल नाम है उसका, पता नहीं सिविल नाम है, तो वो ठीक है। ना नहीं यार मैं लिस्ट ग्रुप में आज शेयर करवा दूंगा इंशाल्लाह, ग्रुप में वो लिस्ट में देखें, अगर हुआ हुआ तो वो किसी ना किसी ने यूज किया होगा, अदरवाइज आप कर सकते हैं उनको, आप सिंपली कांटेक्ट करें, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें ब्रांड, अगर एक आध ऑर्डर उसे एक ही प्रोडक्ट उधर लगाएं आप अमेजोन की लिस्टिंग पे इन्वेंट्री में एक लिखें और इसे एक ऑर्डर प्लेस करें आप, तो उनसे कॉन्टेक्ट वगैरह करें, अगर कॉल कर लें तो ज़रा आइडिया हो जाएगा कि ब्रांड सही है तो इट्स गुड है, ब्रांड इसी तरह कीप सर्चिंग में नए नए ब्रांड्स आते हैं, वो लिस्ट चलो एक अच्छा है कि बड़े बड़े ब्रांड उस लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन उनसे अच्छी प्रोडक्ट निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, कोई आप नया ब्रांड जो पीछे हो कोई बैठ, सेलर तो हजारों में है ना, हजारों में क्या लाखों में बैठे हुए हैं यूएस में ना, तो आप उसमें सेलिंग करें सिर्फ इंशाल्लाह, तो उसको आपको अच्छी आरओआई में भी 100 100+ की आरओआई की प्रोडक्ट आपको इस मिल जाए, सिर्फ थोड़ा सा यार हार्ड क्योंकि वर्क। क्योंकि ये जो मैंने मैंने आपको जो ब्रांड बताया इसकी मैंने तकरीबन 25 प्रोडक्ट्स ढूंढी हैं, माशाल्लाह और इसमें माशाल्लाह, 50 डॉलर हो रहा है प्रॉफिट, 60 हो रहा है ऐसे, तो मुझे इसलिए अच्छा थोड़ा सा डाउट था। आप इसको ग्रुप में इंशाल्लाह राइज आप के शेयर करें, इंशाल्लाह कोई ना कोई इसे यूज करेगा तो आपको फीडबैक कुछ दिनों तक मिल जाएगा कैसा है ना, तो लोग इसे यूज करेंगे तो पता लगेगा कोई ड्राफ्ट शिप फ्रेंडली है कि नहीं ना, तो उसको फिर इंशाल्लाह सर्च कर लेते हैं तो यूज करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि दो चार बंदे इसको यूज करेंगे इंशाल्लाह तो 2 4 दिन हफ्ते के अंदर अंदर कोई ना कोई फीडबैक आ जाएगा कि आया ये लोग कैसे हैं, अमूमन अच्छे ही होंगे, क्योंकि यार अगर गोरे का कुछ स्टोर होगा ना तो वो लोग बड़े स्टैंडर्ड के साथ काम करते हैं, ये हम लोग यहीं पे इन्वॉल्व होते हैं तो थोड़ा सा काम गड़बड़ हो जाती है, हाँ तो इंशाल्लाह चलिए भाई ग्रुप बहुत में बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मसला माशाल्लाह नहीं है। मुजाहिद भाई आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ये सिखाने वाला और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला, यकीन करें मार्केट में पैसे लेके लूट रहे हैं लोग। मैंने यार इंशाल्लाह हाजिर है हम, तो उसके अलावा भी सपोर्ट है सिखाने के लिए, फ्री सपोर्ट ग्रुप में आप पोस्ट करें, मैं पर्सनली उसको देख रहा होता हूँ इंशाल्लाह, मैं हमारे ग्रुप में एक बंदे दो ऐड हुए हैं, उन्होंने बड़े बड़े अच्छे ब्रांड से कोर्स किए हैं, 1 1 लाख रुपया तकरीबन उन्हें कास्ट हुई है उस कोर्स की, उन्होंने सेलर सेंट्रल तक नहीं दिखाया, उन्होंने दूर से खाली दिखाया है कि भी ये सेलर सेंट्रल होता है, तो मतलब दैट्स बिल्कुल हाउ एक्चुअली अनफेयर है कि वो लोग उसके साथ काम कर रहे सही हैं है, सही वही दस। आजकल ना मुजाहद भाई ट्रेंड बन, पिछले 2 साल से ना ट्रेंड बन चुका है, जिसको थोड़ा काम आता है वो एक दो बंदे हायर करके वो अपने आप को शो करवाता है एजेंसी है, और पैसे बटोर के वो उससे जनाब जी अपना काम निकलवाता है, तू कौन या मैं कौन, नहीं ज्यादातर मार्केट में यही लेकिन हो रहा है। देखें फीसिस मैं कहता हूँ रीजनेबल हों, तो इसमें जारी पता है हर किसी के खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, टीम होती है, सारे वो एक्सपेंसेस होते हैं वो निकालने होते हैं, लेकिन आप यार बैक एंड पे डिलीवर तो करो, एक बच्चा आपके पास आ रहा है 2 महीने आपके पीछे लगा रहा है, 2 महीने बाद उसको जनाब सेलर सेंटर वो जब 2 महीने बाद जाके खोलता है वो कहता है ये क्या, उसे स्लाइड्स दे देते हैं फ्रीली तो अवेलेबल है, और वो उसको देख उसे सेलर सेंट्रल पे नहीं, मैं आप देखेंगे 1 लाख रुपया पाकिस्तान में रहते हुए एक बड़ी अमाउंट बनती है, और उस बंदे ने दिया उनको और उसने उन्हें स्लाइडें दिया, मैंने कहा यार स्लाइडें तो हमारे ग्रुप में वैसे ही शेयर हैं आप जब मर्जी देखते रहो अल्हम्दुलिल्लाह, तो कहता ऐसा ही जी ये उन्होंने दिया सेलर सेंट्रल का उसे नहीं पता, मैंने कहा सेलर सेंट्रल पे कभी टच किया जाके खुद अपने हाथों से, कहता जी नहीं, तो मैंने कहा 1 लाख रुपया किस चीज़ का आप लोगों ने दे दिया, अगर जी ब्रांड था इस तरह उस तरह, तो मैं इस चीज के खिलाफ हूँ यार, लोगों को प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाओ, जो मेन पॉइंट मेन टू द पॉइंट आओ कि यार सेल कैसे लानी है, प्रॉफिट कैसे कमाना है, क्या डीपली चक्रों में डाला हुआ है कमेटियों में, ऐसा ही है, ऐसा ही मतलब है। मकसद नहीं है उसका।
हाँ वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं करवाते हैं। नहीं नहीं जी कुछ भी नहीं, स्लाइड दिखाते हैं दूर से जी, ये अमेजोन ये स्लाइड है, उन्होंने 10 कर रखी हुई है बस जी, ये कोर्स है, 1 लाख रुपया लेके वो निकल जाते हैं, तो 10 नॉट फेयर है। इंशाल्लाह हम कोशिश हमारी तरफ से यही है कि हम अच्छा उसको लेके इंशाल्लाह। और मुजाहिद भाई आप फैसलाबाद से हैं? चले। नहीं जी हम रावलपिंडी इस्लामाबाद से हैं जी। माशाल्लाह इस्लामाबाद से। सही और है आपको कितनी देर हो गई इस फील्ड में? सर, हम तो 4-5 साल, मैं तो ड्रॉप शिपिंग में अमेजोन पे बैठने को 2015 से इन्वॉल्व हुआ हूँ, उस वक्त से हम इसको काम कर रहे हैं, लेकिन अभी ड्रॉप शिपिंग को ये साल 1.5 हुआ है, दोबारा ज्वाइन एक्टिव हुए हैं, फिर जरा ऑनलाइन सेलिंग वगैरह में चले गए थे, तो आज आके फिर सही अमेजोन सही पे ही सही वापस आए हैं, और यही बेस्ट है। बाकी ठीक है, हर फील्ड की एक अपनी खूबियां होती हैं खामियां भी, ऐसा ही है। मैं भी लेकिन मुजाद भाई तकरीबन 2013 से डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, एसईओ कर रहा हूँ। माशाल्लाह तो एसईओ का माशाल्लाह तो कंपटीशन ही बहुत ज्यादा हो गया है। तो मैंने मतलब 2 साल पहले ही सनी अली ग्रुप का जो मतलब के यार था क्या उसमें बोलते हैं यार मान। अपने आप को ऐड किया, तो कुछ ना कुछ सीखा वहां से। पहले एफबी होल्ड से उसमें चला गया पीएल में, यार पीएल एज अ वीए सर्विसेज देखने लग गया, उसकी नहीं समझ लगी, कोई कुछ बता रहा था कोई कुछ बता रहा था, फिर होलसेल में आकर उसकी भी समझ लगी, फिर ड्रॉप शिपिंग एक मुझे सेफ मॉडल लगा। मैंने काफी लोगों के इसके रिव्यूज भी देखे, और ड्रॉप शिपिंग में ही रहते हुए अपना मैंने सेलर अकाउंट खुद ही क्रिएट किया, वरना पहले तो वाह, मुझे सेलर अकाउंट का भी नहीं पता था किस तरह से। और हेलो जी सॉरी, एहसान एहसान बात कर रहे थे आप? एजाज हाँ जी, मैं, सॉरी। हाँ मुजाद भाई मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी इस फील्ड में तो 2000 तकरीबन 2013 से एसईओ कर रहा हूँ, हाँ जी, अच्छा अच्छा और माशाल्लाह लेकिन इस फील्ड में तो मैं मतलब कि अमेजोन में दो 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 साल पहले आया हूँ। जबरदस्त, उसमें सही भी बात है। मैंने बीच में आके मैं ना मतलब कि छोड़ के चला गया, क्योंकि लोग मेरे हंटिंग करवाते रहे। सीधी सी बात है, हंटिंग पे मेरा हाथ सेट है। पीएल के लिए मैंने हंटिंग की है, होलसेल के लिए हंटिंग की है, ड्रॉप शिपिंग के लिए अभी रिसेंटली काफी देर हंटिंग करता रहा हूँ। मतलब सही इतना सही। मैं फेडअप हो गया कि यार क्या है ये, हंटिंग से आगे नहीं मुझे लेके जाते। लेकिन जब से नहीं ड्रॉप तो शिपिंग मॉडल में आपको आया हूँ, वीए सर्विसेज में कोई अच्छा क्लाइंट नहीं है आपको, मतलब मिला वीए जो आपकी होलसेल की सर्विसेज थी उसमें? सनी अली तो बड़े सर मैं अच्छे वो बंदे हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि मतलब कि बीए वगैरह तो मैंने देख लिया, लेकिन मेरे पास प्रैक्टिकली कुछ नहीं था, सैलरी अकाउंट तक नहीं था मेरे पास। कोई भी किसी के साथ भी मैं अटैच होता था, वो यही कहता था मुझे कि यार आप हंटिंग करो, आप पेड टूल लो, हंटिंग करो, हंटिंग करते रहो, ये कर लो, हंटिंग रिजेक्ट कर लो। रात के 3-3 बजे तक मैंने हंटिंग करनी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करता रहा। वो इस फील्ड से मैं मतलब बड़ा फेड अप हो गया। मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब कि आगे कोई लेके नहीं चल रहा, हंटिंग से अनहंटिंग तक ही रखा है। फिर मैं अभी फिर रिसेंटली 2 महीने हुए मैं ये जब से ब्रेकले का कोर्स वगैरह मतलब स्टार्ट हुआ है, तो वो देखा जा फिर दोबारा मेरे में ना इंटरेस्ट पैदा हुआ इस चीज का। फिर ड्रॉप शिपिंग को मैंने एनालिसिस किया, ड्रॉप शिपिंग मुझे सेफ मॉडल लगा, और मतलब अच्छा लगा मुझे मॉडल। जी, तो फिर बिल्कुल ये सेफ तो मैंने नहीं है। जी सेफ नहीं है ये, बस आपको सही तरीके से चलना है। हाँ वही ना, मतलब कि उनकी स्ट्रेटेजीज वगैरह के साथ जिस तरह उन्होंने बताई ब्रेकले वालों ने, वो काफी मतलब कि इम्प्रेसिव लगी मुझे। मैंने कहा चलो यार नहीं ये नहीं करके वो देख अच्छा लेता है, हूँ। ब्रेकले अच्छा है। जी, हाँ लेकिन मैंने कहा चलो ये देखिए करके देखते हैं। कंप्लेन तो देखिए सेफ मैं भी बिल्कुल मानता हूँ सेफ नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस देखें ना, तो होलसेल भी इजी नहीं है। होलसेल में भी बड़ा मतलब लोग कहते हैं चले ड्रॉप शिपिंग नहीं करते, हम होलसेल की तरफ आ जाते हैं, तो होलसेल भी इन इटसेल्फ एक तो इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा और हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप अगर आप कहेंगे ना कि यूएस मार्केट में आप छोटी इन्वेस्टमेंट से, तो आप बिल्कुल वो जाए जाएंगे, क्योंकि वो सेल ही नहीं आएगी ऐसे तो ही प्राइस वार शुरू हो जाती है। मेरा एक दोस्त है साहिवाल में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, मेरी उससे बात हुई, उसके मतलब उनके क्लाइंट्स के अकाउंट है उनके पास, तो वो कह रहा है जी हमने बड़ी मतलब क्लाइंट जी वो ड्रॉप शिपिंग पे नहीं माना, तो उसे होलसेल पे जी उसने, ये इसी दिसंबर नवंबर की बात है, क्रिसमस आ रही थी, वो उसने कहा जी ठीक है मेरी, मैं सारी एक प्रोडक्ट के पीछे पड़े सोर्सिंग शोर्सिंग की उसकी, मतलब सारा कुछ लेके उन्होंने वो अपना यूएस वेयर हाउस में भेजी, होलसेल की प्रोडक्ट थी, जिस दिन वो प्रोडक्ट वहां पे पहुंची है उस दिन उनकी प्राइस वार शुरू हो गई और उसे नेगेटिव लॉस में जो है ना वो सारा अपना स्टॉक बेचना पड़ा। तो और मकसद ये है कि वो उससे कम बेचारे ही ने बेचनी जितने में पड़ी ली ना। उससे कम में बेचनी पड़ी फिर। देखिए मैं बात यह है कि कॉम्प्लिकेशंस और लॉस तो इस पार्ट ऑफ बिजनेस है ना, मतलब वो बिजनेस उस है मतलब
इसमें ये है कि यार हम जैसे बंदे जो मतलब नॉर्मल जो प्रो नए ड्रॉप शिपर्स हैं या जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा है। तो किसी के पास अगर 500, मैं कहता हूँ किसी के पास $300 भी है ना, तो उसे अपने अकाउंट बना के सुकून से वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ये कोर्स देख ले, ब्रैक ले, किसी भी ग्रुप के साथ जुड़ जाए, इतनी सपोर्ट अवेलेबल है। जब हमने शुरू किया 2015-16 में, और कुछ देखें अल्लाह की करनी, हमें कुछ आगे जो VAs मिले वो भी ऐसे मिले, हमने उस वक्त के अमेज़न के अकाउंट उड़ा दिए थे ना, ये तब नए तरीके से हमने नए सिरे से ज्वाइनिंग वगैरह की है। तो चीज़ें अब काफ़ी सारी ओपन हो गई हैं, लोग डिस्कशंस हैं प्लेटफॉर्म। उस वक्त तो बैक इन 2015-16 में कुछ भी नहीं था, ये आपने किसी को अगर पता होता था ना ड्रॉप शिपिंग का, तो वो ऐसे था जैसे उसे सोना बनाने का गुर पता हो, मतलब वो ऐसा ही है, ऐसा ही। ठीक वो अंदर ही है, फिर उसने आपको ऐसे चक्रों में डाल देना है, उसने वो चीज़ नहीं बतानी आपको, मेन चीज़ है। नहीं बताना। आप तो माशाल्लाह कुजात ग्रो भाई ये बन बात सच है, ये बात सच है कि मतलब कि जब से ये ब्रेकले वगैरह के कोर्स आया है, मियां चन्नू वाले जो है वो ड्रॉप शिपिंग करते थे, तो नहीं नहीं वो उससे लोग पहले के नहीं नहीं यार मतलब देख क्या, कि सॉरी मैंने जी जी समझा, मैंने कहा ये बात सच है कि मतलब कि मियां चन्नू के लोग पहले मतलब कि ट्रिक मतलब कि जब ड्रॉप शिपिंग में माहिर थे वो ट्रिक्स यूज करते थे ड्रॉप शिपिंग करने के लिए, लेकिन जब से ब्रेकले आया ब्रेकले ने हर चीज ओपन करके रख दी है कि सर ये चीज है, ये ड्रॉप शिपिंग है, इसमें इस तरह खेलना, इस तरह देखिए करके कुछ खेलना। ब्रैकले का एक इनिशिएटिव अच्छा है कि वो इन्होंने ओपनली सारों को ना डिस्कस किया है, सारों के लिए ना वो अच्छा है। इसके अलावा भी इंस्टीट्यूट मियां जनू सहवाल के कुछ बन गए थे जो ड्रॉप शिपिंग और होलसेल को मिक्स करके पढ़ा रहे थे ना, लेकिन मियां जनू वालों के पास नहीं ये क्रेडिट गया जिसमें कोई, क्योंकि मियां जनू से अभी भी कोई अच्छा इंस्टीट्यूट सामने नहीं आया ना। और मियां नहीं जनू आया। वाला है, मियां जनू की जो ट्रिक्स है ना वो ट्रिक सारी ओपनली, फिर जो इधर ही बात है इन्होंने VACs रखे होते थे, ट्रिक्स तो बाहर मार्केट में निकली जाती थी ना, तो कुछ ये हुआ कुछ अमेजोन ने सारी ट्रिक्स तकरीबन इस साल खत्म कर दी है, ये सारी कोई एक दो ही रह गई, अमेजोन सारा इस दफा उन्होंने सफाया किया है, उन्होंने जो इस बार सॉफ्टवेयर अपडेट किया, ट्रैकिंग थी सारा कुछ, मतलब जो जो ट्रिकें थी ना वो अब नहीं कोई बनेगी 2022 में तो अलग बात है, लेकिन अब तक तमाम ट्रिकें फेल हो चुकी हैं। अब बस केयरफुली लोगों ने चलना है, मतलब ट्रैकिंग शैकिंग और ये वो, और वो उनके पास अब कुछ इतना रहा भी नहीं है, कोई शक्ति हो गया वालमार्ट ने, देखें दो बड़ी कंपनियां थी वालमार्ट और अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के लिए, दो दो इनके अकाउंट होते थे, सेलिंग के सेलर का अकाउंट और बायर अकाउंट, वो इस दफा इन दोनों कंपनियों ने बंद किए हैं। स्टिल वालमार्ट भी अकाउंट बंद कर रहा है, सेलर भी बायर भी, जो जरा सा उसे मशकूक लगे चाहे वो बाइंग अकाउंट है चाहे वो सेलिंग अकाउंट है वो उड़ा देता है। यही कुछ अमेजोन कर रहा है कि मतलब अगर उसे पता लगे कुछ भी, चाहे वो सेलर अकाउंट है चाहे वो बायर अकाउंट, विदाउट एनी नोटिफिकेशन, मतलब अमेजोन ने पहली दफा ऐसे किया, हम लोग तो ये सेलर डैशबोर्ड देखते हैं ना कि अकाउंट हेल्थ बड़ी ठीक है, ODR ठीक है, अच्छी बात है, चले हमें उसे, मतलब विदाउट नोटिफिकेशन, सुबह आप उठेंगे आपको मेल आई होगी जी आपका अकाउंट सस्पेंड होगा जी, ये नोटिस सेक्शन 3 लगी कुछ, बस वो अमेजोन का ही मुझे प्लान ऑफ एक्शन दें आप क्या कर रहे हैं, तो ऐसा भी हुआ है, मतलब बिल्कुल केयरफुली चल रहे हैं सारा कुछ, क्योंकि दोनों की दफा हम फेक ट्रैकिंग यूज करते हैं, जब हम सैम्स को यूज करते हैं ना तब भी हमें फेक ट्रैकिंग, क्योंकि सैम्स देता है आईडी एक दिन के बाद, हमें वहां पे आईडी जल्दी देनी होती है, तो हम इस सूरत में भी फेक ट्रैकिंग यूज करते हैं और उधर अमेजोन की दफा भी फेक ट्रैकिंग यूज करते हैं, तो अमेजोन का सिस्टम अगर इस चीज पे अड़ जाए जी आप लोगों ने फेक ट्रैकिंग यूज की है और अब बिजनेस प्राइम को यूज कर रहे हैं, तो वो सेक्शन 3 के साथ सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है जिसकी ओपनिंग बहुत मुश्किल है अभी तक, मतलब बहुत ही मुश्किल है बस ना सर, अकाउंट एक्चुअली सस्पेंड ही होता है। सस्पेंड ही होता है, मतलब देखे ना एक चीज है कि हम देख रहे हैं जी अकाउंट की हेल्थ गुड है, सारा कुछ 100% है, सारा कुछ ठीक है, उसके बावजूद उसने मतलब सुबह उठे हैं जी हमें काले आई हुई हैं जी, सुबह उठे हैं अकाउंट सस्पेंड है जी, क्या हुआ जी, उन्होंने कहा जी प्लान ऑफ एक्शन दें आप, सेलर कॉल ऑफ कंडक्ट ला गया, वो फिर जब उन्हें कॉल करते हैं तो वो बताते हैं जी आप फेक ट्रैकिंग यूज करते रहे हैं और आप शायद बिजनेस, क्योंकि तो जैसा ही फेक ट्रैकिंग का उन्हें शक पड़ेगा उन्होंने अगली बात करनी है जी आप बिजनेस प्राइम यूज कर रहे थे बाइंग के लिए, तो वो अमेजोन उससे बड़ा गुस्सा करता है ना, तो इस सारी बातें उनका अपना एक तरह प्राइम प्राइम लेवल की उनकी आईडी है वो। बिल्कुल ना उसमें फिर मियां जन्नू वालों ने फिर अच्छा एक तो वैसे ऐसे यूज करना ऊपर से रिफंड भी मार देने, तो उसने तो गुस्सा करना, उसने कहना भी यार ये अच्छा है, $1,000 की बाइंग की है और 900 की इन्होंने कर दिया वो जो है ना इसका रिफंड ले लिया, रिफंड मांग लिया। तो रिफंड मार लिया, तो वो भी अब सियाने हैं तो इसलिए वो असल में ना बैक एंड पे कंप्यूटराइज डेटा उनके पास सारा आ रहा होता है आर्टिफिशियल कुजात भाई इंटेलिजेंस हम लोग आए, न्यू कमर आए तो सख्तियां हो गई है। नहीं जी देखिए रिस्क, कोई नहीं, देखिए फिर कोई ट्रिक आ एक जाए। चीज आपने याद रखना है, रिस्क और इल्म जो है ना ये बांटने से बढ़ता है कम नहीं होता ना, आपका हिस्से का जो है वो ऐसा इंशाल्लाह आपको मिलेगा,
आप बस ये है कि मेहनत जारी रखें। मैं आगे कोई पता नहीं किसी भाई ने क्वेश्चन किया कि जो एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और उन्हें 50 50 डॉलर की प्रॉफिट हो रही है, और बहुत अच्छी प्रॉफिट है, 50 डॉलर प्रॉफिट। आप एक दिन की एक सेल उठाएं 50 डॉलर की और मतलब देखें ना, बिल्कुल सिक्योर चलें, एक लिस्टिंग लगाएं उस पे, उसकी 50 45 प्रॉफिट निकालें, तो यार एक अच्छी अमाउंट है पाकिस्तान में, आप शुरू करें इंशाल्लाह, नहीं, नॉट मैं बैड। इंशाल्लाह ताला मुजाहिद भाई, ये मैंने इंडिविजुअल अकाउंट किया हुआ है, बस एक आधी प्रोडक्ट ही मैंने लगा के उसके साथ ही चलते रहना है दो जी तीन महीने। वो इंशाल्लाह बताया ना आपको इंशाल्लाह, इंडिविजुअल अकाउंट जो डिटेल पाकिस्तान डिटेल के साथ बनाया, लेकिन वो परचेजिंग वाला वो आप मेरा मसला हल करवा दीजिए, वो वो इंशाल्लाह वॉइस का जो आप, मैं करवा दूंगा, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा मेरे हूँ पास इंशाल्लाह। वैसे तो पेयोनीर का अकाउंट भी है, नहीं, तो पायनियर से वो कार्ड नहीं ना मिलता यार, कार्ड चाहिए होता ना। कार्ड मेरा 2017 से मैंने कार्ड अप्लाई किया हुआ है, अभी तक नहीं आया मेरा। पायनियर नहीं दीजिए, ये इसमें बिना ट्रिक, असल में आप पाकिस्तानियों को टाई चढ़ी तो ये ट्रिक आजकल में देखे उड़ने वाली है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने इसका जो है ना वो धज्जियां उड़ा दी है। चलें चलती है तो अच्छी बात है, जितनी देर चलती है चलानी चाहिए, फ्री की है तो बस। रहने दे, जो जिस चीज में रिस्क ज्यादा है वो कोई ना ही देख करें। नहीं, रिस्क इन अ सेंस है ना कि रिस्क इतना भी नहीं है, रिस्क जब ड्रॉप शिपिंग सबसे बड़ा रिस्क है वो आप ले रहे होंगे, छोटे मोटे तो कुछ भी नहीं है ना उसके आगे, आप करें इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, हम बैठे हुए ना इधर अल्लाह का। मुजाहिद भाई, मैंने एनेबलर्स की ना एक वीडियो देखी थी, उनमें वो बता रहे थे कि यार ड्रॉप शिपिंग खुद अलाउ करता है अमेज़न, क्या ड्रॉप शिपिंग करो, यार लेकिन उसकी पॉलिसी है ना, उसकी ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी है, वो कहता बड़ा वाजिया उन्होंने कहा हुआ ड्रॉप शिपिंग करें। और जो मैंने अभी आपको एक स्टोर बताया था, अगर हमारा लेक्चर पीछे से अटेंड करें तो उसमें उसकी 100+ लिस्टिंग थी, तो इतनी बड़ी लिस्टिंग वो ड्रॉप शिपर ही लगा सकता है, वो होलसेल वाले तो बेचारे इतनी नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। तो बड़े बड़े सेलर कर रहे हैं, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से करें, उसकी पॉलिसी ये कहती है कि देखिए उसके दो कंपटीटर हैं, वॉलमार्ट और सैम्स क्लब, पहला उसे पंगा यहाँ से, उसे गुस्सा आता है कि जी उसने मना किया है कि मेरी पैकेजिंग मेरा ब्रांड हो, मतलब जहाँ पे भी जाए अमेजोन की पैकिंग जाए, ठीक है। हमें मसला यह है कि हमें अच्छी सोर्सिंग, जब हमने ज्यादा ऑर्डर लेने होते हैं बल्क में या बड़े नंबर्स में काम करना होता है, बस ये हकीकत है कि हमें अच्छी प्राइस या सैम्स दे रहा होता है या वॉलमार्ट दे रहा होता है, ठीक है, हमें ये यूज करना पड़ता है। अगर हमें कोई थर्ड साइड कॉल आ जाए कोई अच्छी कंपनी जो अच्छी प्राइसेस में दे, तो ऑफ कोर्स हम उसे यूज करेंगे ना, लेकिन अभी तक यही देती हैं। तो अमेजोन की पॉलिसी ये कहती है, अगर आप सेलर उसकी पढ़े ना ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी निकाल के इजीली उसे पढ़ ले, उसमें बड़ा डिटेल लिखा हुआ है कि पैकेजिंग जो है ना वहां से वो प्रॉब्लम करता है, कि पैकेजिंग हमारी जानी चाहिए और हमारी ही वेल जानी है, चाहिए। बस ये उसका प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज तो ट्रैकिंग अच्छी हो, प्रोडक्ट ऑथेंटिक हो, फेक प्रोडक्ट्स ना बेचें आप, जो बताएं वही निकले, शिपिंग का वो कहता है जी शिपिंग फ्री, शिपिंग रिटर्न फ्री होना चाहिए, क्योंकि उसने कुछ उनकी एंड टर्म एंड कंडीशन, तो वो सारी आप फॉलो करें तो ड्रॉप शिपिंग खुद सारे एनेबलर्स के बड़े सारे ड्रॉप शिपिंग ही करते रहे, और प्राइवेट लेबल तो निरा जुआ है, वो उसमें तो मतलब बहुत कम सक्सेस रेशियो है, 30% सक्सेस रेशियो एनेबलर्स वालों ने कहा हुआ है पीएल की, ठीक है। तो ये सारे जितने बड़े बड़े पाकिस्तान में बड़े बड़े अकाउंट्स आपको नंबर्स दिखाते हैं, ये समझ लें कि 90% में ड्रॉप शिपिंग ही हो रही होती है, या होल सेल और ड्रॉप शिपिंग को मिक्स लेके चल रहे होते हैं पीएल, और इस चीजों में तो बहुत कम सक्सेस रेशियो है ना, मतलब ये बड़ी बड़ी सेल्स दिखाना वो कभी किसी की कोई हिट हो गई कंपनी, क्योंकि गोरा देखें आप इंडियंस को कम्पीट कर रहे हैं, आप चाइनीज को कम्पीट कर रहे हैं, आप खुद यूएस जो गोरा बैठा हुआ है उसको कम्पीट कर रहे हैं, इन सारों को कम्पीट करना कोई इजी टास्क है, तो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर गोरा बैठा हुआ है और बड़ा उनका, हम लोग यहाँ पे बैठ के उनका माइंडसेट क्या पढ़ेंगे, जो गोरा वहां पे बैठा हुआ है उसे बेहतर माइंडसेट का पता होगा या हमें उनके माइंडसेट का ज्यादा बेहतर पता होगा, तो इस तरह ये कुछ डेफिनेटली पता। चीजें हैं, उन्हें ज्यादा पता है ना, तो वो इसीलिए ये सारे ये एक हकीकत है, आप बड़े बड़े जो है आप मतलब ग्रुप जो काम कर रहे हैं ये ड्रॉप शिपिंग का, इसलिए अभी भी नहीं जिक्र करते, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग पैसा असल ड्रॉप शिपिंग पे कमा रहे होते हैं, बैक एंड क्विक सेल लाइन, मतलब अगर किसी के पास मैं कहता हूँ $10,000, 10,000 या 20,000 नॉर्मल जो मियाँ चुनो वाले अकाउंट डील कर रहे होते हैं, इनके पास 4-4 हज़ार डॉलर के अकाउंट होते हैं, तो खुद आप जरबे देख लें कि 10% भी निकाले माशाल्लाह, तो रिफंड शेंट तो बाहर की बात है ना, ये लोग तो रिफंड तो 100% निकाल लेते हैं, लेकिन 10% आरओआई भी निकालें तो माशाल्लाह अच्छी आरओआई बनती है 50,000 की, मगर तो इस तरह ये करोड़ों में मतलब जाती है। करोड़ों में, तो ऊपर से खुद देखना कि अगर वो रिफंड भी मारे तो 100% आरओआई निकली तो कहाँ कहाँ जरबे जाती हैं, तो ये है कि बस, पता लेकिन अच्छे तरीके से नहीं किसने, करें। मैंने किसी मुजाहिद किसी ग्रुप में मैंने पता नहीं पढ़ा था या के
फनी सा ही जोक था कि मियाँ चन्नू वाले जी जब प्रोडक्ट मिलती है उन्हें कोई, तो वो बीए से कुरान पे हाथ रखवाते हैं जी, ये प्रोडक्ट बाहर ना जाए। नहीं यार ऐसे ही अल्लाह, मैंने नहीं सुनी, हो सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ये जरूर मैंने सुना है कि वो नया वीए रखते भी नहीं है अपने टीम में, और अगर किसी वीए को रखेंगे तो उसे कोई स्टाम्प पेपर शेपर रख किसी को देखे। मैं ये नहीं कहता कि यार मियां चन्नू वाले बुरे हैं या कुछ, उस उनमें भी अच्छे लोग होंगे, लेकिन जो एक ट्रेंड और सुना है या कहीं पे भी लाहौर कराची कहीं पे भी जो ड्रॉप शिपर अच्छे ड्रॉप शिपर एजेंसियां कर रही है ना, वो अभी भी नया वीए बाहर से नहीं रखती, उनके पास काम की नोयत ऐसी है कि वो ऑथेंटिक वीएस रखती हैं, उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किए जाते हैं कि आप साल के लिए बाउंड है हमारे पास, कहीं जा नहीं सकते, कुछ मतलब टर्म एंड कंडीशन रखते हैं, ये मैंने सुना है। आप वाली बात मैंने नहीं सुनी, मे भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वेल नॉट श्योर अबाउट अच्छा एक और क्वेश्चन मुजाहिद भाई, कि वॉलमार्ट से आप कह रहे हैं कि वो उधर पैकेजिंग उनकी जाती है, तो फिर भी लोग वॉलमार्ट यूज क्यों करते हैं? यार। देखें करते हैं, मैं अब अगले सेशन में थोड़ा इसको डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, करते हैं यार अब वो पेड़ की खातिर करते हैं ना, क्या आपको बताएं, जब आप भी करेंगे थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको भी जब सही सोर्सिंग ना मिलेगी, आप भी के पहाड़ में जाइए जो है ना ट्रे पैकिंग वगैरह, बस प्रॉफिट कमाओ देखी जाएगी ना, ये एक इंसान की नेचर है ना, जब आप महीना 2 महीने 4 महीने सोर्सिंग करो कि आपको अच्छी 50% 80% आरओआई वाली प्रोडक्ट मिलती है, आप कहोगे बाढ़ में गई जो है ना ट्रैकिंग और अमेजोन और ये वो लगाओ इसको प्रॉफिट निकाओ देखी जाएगी, बस ये इतने कहने की देर है, और जनाब लिस्टिंग